पहली बात तो शिक्षा मंत्री को दारू वाला मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए। फिर मिनिस्टर कभी अंदर नहीं जाते, चोर जाते अंदर। अब वो क्या है आप देखो, स्कूल के अंदर उन्होंने मजार बना दी। क्यों बन गई भाई? अभी रिसेंटली बनी है, उसमें मजार क्यों बनाएगी बताइए? स्कूलों में मजार बनाई जाती है। जो कहते हुए कुछ और आए थे कि ईमानदार पार्टी, ईमानदार जितना ईमानदार ईमानदार कहते आगे, अच्छा। उतने बेईमान पार्टी साबित हो रही है ये। अच्छा हाँ। भाई आप बताओ कितने मंत्री अंदर है जी, और जी। किस स्टेट के कितने मंत्री अंदर है? वो तो चोर है, 100 करोड़ का तो घोटाला कर लिया दारू में। क्या लगता है क्या वो सही में घोटाला हुआ होगा दारू? बिल्कुल बिल्कुल हुआ। एक्सरसाइज का जो पॉलिसी बनाया गया, हाँ। वो तो केजरीवाल का ही मास्टरमाइंड है। ये तो बाद में बोलेंगे, जब डंडा पड़ेंगे बोल देंगे। अच्छा। केजरीवाल ने किया सारा काम। मनीष सिसोदिया किया कि नहीं किया, लेकिन केजरीवाल ने जरूर किया। बिल्कुल केजरीवाल का नंबर है। बिल्कुल अब जाएगा ये, केजरीवाल जाएंगे। बिल्कुल जाएगा। ऐसा अगर 2-3 स्टेट में अगर आप आ जाए ना, तो बड़ा बेड़ागल हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। सबके नाम लिए थे कि ये भी चोर है, शीला दीक्षित भी चोर है, सब चोर है। मेरे पास इतने पन्नों की रजिस्ट्री है, डायरी है, अटैची है। वो कहाँ गई अटैची? सर क्या नाम है आपका? है? नाम क्या है? मेरा नाम SP चोगा जी। सर ये बताइए, आप किस दिल्ली के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, हाँ जी दिल्ली। आपके शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो अब जेल में जा चुके हैं। क्या लग रहा है, एक शिक्षा मंत्री दारू के घोटाले में जेल में गया है, सही है या गलत? पहली बात तो शिक्षा मंत्री को दारू वाला मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए। फिर मिनिस्टर कभी अंदर नहीं जाते, चोर जाते अंदर। अब वो क्या है आप देखो। अच्छा, देखिए आम आदमी पार्टी के लोग हैं, अरविंद केजरीवाल हो, सारे उनके नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि उनकी गलती ये है कि उन्होंने गरीबों को शिक्षा दिया इसलिए वो अंदर गए। अगर शिक्षा दी होती तो उसका अपना लड़का फॉरेन में क्यों पढ़ रहा है? वो भी दिल्ली में किसी स्कूल में पढ़ लेता। अच्छा, क्यों पढ़ रहा है उसका बच्चा बाहर? तो इसका मतलब उसने दिल्ली में कुछ नहीं किया ना शिक्षा के लिए। अच्छा। जब ही तो अपना बच्चा बाहर भेज दिया, वहाँ तो गरीब के जाते हैं। अब अगर वो अच्छा स्कूल बनाने वाले होते, आप जाइए शकूरपुर में, स्कूल के अंदर उन्होंने मजार बना दी। क्यों बन गई भाई? अभी रिसेंटली बनी है, उसमें मजार क्यों बनाएगी बताइए? स्कूलों में मजार बनाई जाती हैं, कितना गलत काम है ये। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास की शिक्षा हम दे रहे हैं। तो वर्ल्ड क्लास ऐसे ही तो देंगे मजार बना बना के। मजार बनेगी तो शिक्षा अपने आप ऊंची हो गई भाई। बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, मजार पे ही जाया करेंगे, तो पढ़ना तो है नहीं, उन्होंने शिक्षा होगी। वो चाहते हैं दंगा प्रसाद हो। वो चाहते हैं दंगा प्रसाद हो। कौन चाहता है भाई? इनकी जो पार्टी है, ठीक है, मजार बना बना के आज एक बंदा कहेगा मजार बना दो, दूसरा कहेगा मंदिर बना दो, तीसरा कहेगा गुरुद्वारा बना दो। शिक्षा का जो मंदिर है उसको शिक्षा का मंदिर रहने दो, उसको पूजा का मंदिर क्यों बना रहे हो? है ना। दूसरी बात अब इस जो शिक्षा मंत्री गए हैं, पहली बात तो एक मिनिस्ट्री एक बंदे के हाथ में रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी मिनिस्ट्री संभालेगा तो उसके साथ यही होगा। दूसरी बात, अगर कोई प्रूफ है, CBI है और कोई जांच पड़ताल कर रही है, कोई टीम कर रही है, तो उसको हमें मतलब कोऑपरेट करना चाहिए। अच्छा। और कोऑपरेट करना चाहिए, और उसको जो भी प्रूफ मांग रही है उसको प्रूफ साबित हमें करनी चाहिए। अगर नहीं, अगर हम उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो उसको तभी अरेस्ट किया है। अच्छा। ठीक है, दाल में कुछ काला है जब कुछ ना कुछ उसको अरेस्ट किया है। अच्छा। हाँ, अदरवाइज उसको अरेस्ट करने का मतलब क्या था? है ना, ये मतलब है कि वो गरीबों को शिक्षा दे रहे हैं मुफ्त में, उनकी गलती ये है भैया। ये अभी बताया ना अंकल जी ने, एक एक स्कूल में जो शिक्षा का मंदिर है उसमें तुम मजार बना रहे हो। अच्छा, है ना। किसी को एक अभी ओखला के जो गए हुए हैं भाई साहब, उन्होंने तो स्कूल की जमीन को ही बेच दिया। अच्छा, है ना। तो ये तरीका ठीक नहीं है ना भाई। करनी और कथनी में अंतर यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा। जो कहते हुए कुछ और आए थे कि ईमानदार पार्टी, ईमानदार जितना ईमानदार ईमानदार कहते आगे। अच्छा। उतने बेईमान पार्टी साबित हो रही है ये। अच्छा। हाँ भाई आप बताओ कितने मंत्री अंदर है जी, और जी। किस स्टेट के कितने मंत्री अंदर है? हाँ। आप कंपेयर कर लो दूसरे स्टेट से। अच्छा। कोई भी स्टेट ले लो। हाँ। 29 राज्य मंत्री भी अंदर हो गए, स्वास्थ्य मंत्री भी अंदर है, कितने अंदर है वही तो पूछ रहा हूँ। तीसरा नंबर लग गया। हाँ। अब चौथा, पांचवा, पांचवा, छठा, सातवा आता रहेगा। केजरीवाल का नंबर है भाई ये? हाँ। मैं नहीं कह रहा। अच्छा। मैंने तो नाम नहीं लिया। हाँ। भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसकी हाँ। मतलब जिसका नंबर होगा। हाँ। वो आ जाएगा। क्या बोले सर? घर चलाने वाला ही चोर है। अच्छा। हाँ। चोर है, बिल्कुल चोर है, साफ चोर है। वो बोल रहे कि मोदी है ना, अपने CBI और ED को ना हथियार की तरह यूज कर रहे हैं। वो तो कंट्री का बहुत लकी है कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिला अभी तक। लकी है, बिल्कुल लकी है कि कंट्री को बहुत सौभाग्य है कि ऐसे मोदी जैसा आदमी मिला। और दिल्ली लकी नहीं है, केजरीवाल मिले हैं तो? दिल्ली में क्या, मुफ्त में थोड़ा बांट दिया, लोग भड़क गए हैं, मुफ्त की रसन चल रहा है इसीलिए वोट दे दिया। अच्छा। वो तो चोर है, 100 करोड़ का तो घोटाला कर लिया। अच्छा। दारू में 200 करोड़ की समोसे। क्या लगता है क्या वो सही में घोटाला हुआ होगा दारू? बिल्कुल बिल्कुल हुआ। एक्सरसाइज का जो पॉलिसी बनाया गया, वो तो केजरीवाल का ही मास्टरमाइंड है। अच्छा। ये तो बाद में बोलेंगे, जब डंडा पड़ेंगे बोल देंगे केजरीवाल ने किया सारा काम। अच्छा।
ये जनता का पैसा लूट करके बेवकूफ बना रहा है। पंजाब में तो क्या हुआ, लेकिन केजरीवाल ने पहले से भविष्यवाणी कर दिया कि संडे को मनीष सिसोदिया जेल में जाएंगे और जेल में चलेंगे। वो तो पता है उसको, उसको पता है कि अब तो कोई चेहरा नहीं है। वो पहले पब्लिसिटी कर दिया ना कि भाई, पहले पब्लिक को बोल दिया कि देखो जेल में भेज देगा, कल को मेरे को भेज देगा। दे आर टेकिंग दिस सिंपैथी फ्रॉम द पब्लिक। पहले आदमी को क्यों डिक्लेयर करता है? आदमी अगर सच्चा होगा ना, बाकी मिनिस्टर तो है ना, उसका ना क्यों नहीं आ रहा है? इन तीनों चार आदमी का क्यों नहीं आ रहा है? ये गुट है, गुट कमाने का गुट है। तीन चार आदमी, तीन चार मिनिस्टर मिलकर कमा रहे हैं। और तो मिनिस्टर है ना, दूर दूर क्यों है? ये सारे बेकार है। तो आरोप लगा दे रहे हैं मोदी के ऊपर, आरोप लगा दे सरासर कि मोदी सब कुछ करा रहे हैं, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके बाकी जो काम कर रहे हैं उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं करने दी जाए। मोदी सही काम कर रहे हैं ना। अच्छा, कोई आदमी तो डंडा पकड़ के ठीक करना चाहिए ना, कोई तो चाहिए ना घर पे। अच्छा, घर पे चार आदमी होगा तो एक आदमी तो डंडा पकड़ना चाहिए। अगर कोई चोर होगा, कोई डकैत होगा, तो कोई तो पुलिस तो बनेगा ना। अच्छा, तो मोदी सही किया कि मनीष सिसोदिया ने ऐसा चोरी किया हुआ है? मोदी मनीष सिसोदिया किया कि नहीं किया, लेकिन केजरीवाल ने जरूर किया। बिल्कुल, केजरीवाल का नंबर है। बिल्कुल, अब जाएगा ये, केजरीवाल जाएंगे। बिल्कुल जाएगा। अभी पंजाब में देखो क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ देखो। हाँ, कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के पब्लिक को इमोशनल करा करके और थाने से वो क्रिमिनल को उठा करके लेके चले गए। इज दिस द वे टू द वर्क? कोर्ट किस लिए है, पुलिस किस लिए है? हाँ, पब्लिक को जुटा करके और हाथ काट दिया जा रहा है। हाँ, हाथ काट जा रहा है। कितना पुलिस मार खा गया जी। ऐसा अगर दो तीन स्टेट में अगर आप आ जाए ना तो बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या होना जी, अब देखो जो मैंने आपको बताया वहाँ पे स्कूल में मजार बनाई, आप पता क्यों मना रहे हैं? एक वक्फ बोर्ड का रूल आया पता आपको, मनमोहन सिंह ने बनाया था कि वक्फ बोर्ड वाले जिस जमीन पे हाथ डाल देंगे ना कि ये हमारी है तो उनकी है, वो आपको क्लैरिफिकेशन देनी है कि कैसे आपकी नहीं है। अच्छा। इसलिए स्कूलों में मजार बना रहे हैं, थोड़े दिन के बाद कहेंगे ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। अच्छा। फिर वहाँ पे कमर्शियल बनाओ, रेजिडेंशियल बनाओ, करोड़ों रुपया कमाओ। अच्छा। अन्ना हजारे को धोखा देकर के इन्होंने पार्टी बनाई। अन्ना हजारे ने बोले पार्टी से मत जा भाई। अच्छा। हमारा जो काम था हो गया है, इसने उसको धोखा देकर के अपना खुद पार्टी बनाया, तो फिर इसको कौन करेगा? क्या इमेज है इसकी? ये तो मतलब ये दिल्ली का पब्लिक बेवकूफ है कि इसको वोट दे रहा है। अच्छा। ये मुफ्त में राशन, मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, ये कब तक चलेगा? बसों की हालत देखो, बस जो बसेस है कहीं कहीं जगह में रुक जाता, खराब हो जाता, मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा। फ्री में कर दिया, अरे फ्री में कब तक चलेगा? फ्री में तो घर भी नहीं चलता है। अच्छा। ये तो गया भाई, ये तो अभी असली चीज पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। क्या लग रहा है भैया? हाँ, ये बताओ कि ये जब से मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं ना, तब से आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पे उतर के ना मोदी को डायरेक्टली बोल रहे हैं, मोदी तेरी मतलब कि मौत होगी, मरेगा, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं वो लोग। देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये सरकार मतलब ये केजरीवाल ने सरकार ये अपनी पार्टी नहीं बनाई थी। अच्छा। तो उससे पहले सब पे मतलब इल्जाम लगाया था कि नितिन गडकरी है ना, अरुण जेटली, सबके नाम लिए थे कि ये भी चोर है, शीला दीक्षित भी चोर है, सब चोर है, मेरे पास इतने पन्नों की रजिस्ट्री है, डायरी है, अटैची है। वो कहाँ गई अटैची? वो अटैची कहाँ गई? मैं पूछना चाह रहा हूँ। और वो मंत्री या जो भी है, नितिन गडकरी से स्पेशली उन्होंने माफ़ी मांगी लिखित में। बिल्कुल। लिखित में मांगी ना। जी, जी। अगर कोई आप पे प्रूफ है उसके बिहाफ पे, मैं आपको कहूँ कि आपने घोटाला करा है तो आप मान लोगे उसको? भाई कोई ना कोई मेरे पे प्रूफ हो गए तभी तो मैं आपके ऊपर उंगली उठा सकता हूँ। अगर इसके देखो इसी तरीके से जो दूसरों पे उंगली उठाता है ना तो चार उंगली अपनी तरफ रहती है। अच्छा। तो वो चार उंगली आज उठ रही है। अच्छा। आज वो चार उंगली उठ रही है जो 400 बंदों पे इल्जाम लगाता था ना, आज वो चार उंगली अपनी तरफ, कहते ना किसी के तरफ एक उंगली उठाते हैं। अच्छा। चार उंगली हमारी तरफ होती है। अच्छा। तो आज वो चार उंगली उठ रही है। अच्छा। और उसका जवाब दे दे आज केजरीवाल जी। अच्छा। कौन चोर है, दूध का दूध पानी का पानी, थोड़े दिन में सब पता लग जाएगा। हाँ। कौन किसके पीछे है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल। बताया जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तो बीजेपी वाले मोदी जी, अमित शाह जी डायरेक्टली मतलब कि डरे हुए हैं कि 24 में कहीं ना कहीं उनकी सीट खिसकती हुई दिखाई दे रही दिल्ली से, इसलिए सब किया जा रहा है। देखो जी, ये तो पब्लिक जानती है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। 24 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो पब्लिक बताएगी। अच्छा। ये डिसाइड कोई पार्टी नहीं करेगी। हाँ। क्योंकि पार्टी को जो लाने वाला है, वोट डेलने वाला है, वो वोटर्स है। अच्छा। वोटर्स चाहेगा। हाँ। तो वो अपने पीएम मोदी रिपीट होंगे। हाँ। और अच्छी मतों से होंगे। अच्छा। अच्छी मतों से होंगे। अच्छा। क्योंकि हाँ। देखो जो लैंड पे काम करेगा। हाँ। अब सेंट्रल विस्टा का आपने सुना होगा, सेंट्रल विस्टा का जो लाए हैं, नया संसद भवन बनाया है, उसके पीछे भी एक कारण है। हाँ। कारण ये है कि पहले जो हमारी संसद भवन चल रही है वो भी
रेंट पे चल रही है, ठीक है। दूसरी बात, उसके अंदर सारे भवन नहीं है, अब सारे मंत्रालय उसी सेंट्रल विस्टा के अंदर होने वाले हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसी के अंदर होगी, मतलब सभी को अपना प्राइवेट रूम दिया जाएगा। तो ये तरीके से, मतलब एक तरीके से पूरा प्लान करके मोदी जी ने वो सेंट्रल विस्टा लाए हैं। अच्छा। और जिस दिन से लाए थे उस दिन से कांग्रेस के पेट में करने का भी प्लान है क्या? उस दिन से कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। अच्छा। ये क्यों लाए? तीन मूर्ति लाइन पर, पहले एक और दो जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे ना, उन्हीं की मूर्ति होती थी तीन मूर्ति के अंदर। आज सभी प्रधानमंत्रियों की मूर्ति होती है, क्योंकि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगाई हो, नहीं, उन्होंने कहा था जो पहले प्राइम मिनिस्टर है और अभी जो मतलब लेटेस्ट रहे हैं, सबकी मूर्ति, यानी कि हमारे क्या नाम है मनमोहन सिंह जी, उनकी भी मूर्ति उसमें लगाई गई है, जीवनी लगाई गई है। अब ऐसा नहीं है, मोदी जी ने खुद अपने लिए कुछ नहीं किया है, जो किया पब्लिक के लिए किया है, ठीक है। हाँ, जो भी केजरीवाल तो कर रहे हैं पब्लिक के लिए, वो तो कर रहे हैं ना, फ्री का बांट रहे हैं, श्रीलंका बनाना चाह रहे हैं इसको, श्रीलंका बनाना, बिल्कुल।